कमलनाथ जी, आपकी सरकार के मंत्री बीते 11 महीने में ये सीख गए हैं कि उन्हें खबरों में कैसे बने रहना है। इसके लिए कोई मंत्री किसी के चरणों में गिर जाता है, कोई साइकिल चलाता है तो कोई दंड पेलता नजर आता है। मंत्री अपने अपने हुनर का ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं कि देखने वाला भी दंग रह जाए। मंत्री जब ऐसे कर्तव्य दिखाएंगे तो विपक्ष को भी इन मंत्रियों की बखिया उधेड़ने का मौका मिल जाता है। कमलनाथ जी, आपकी सरकार जनता की कसौटी पर है। जनता अभी आपकी सरकार से खुश नहीं है। युवा, बेरोजगार, आम लोग, किसान सब उम्मीद लगाए हैं कि उनका वक्त भी बदलेगा, लेकिन आपकी सरकार में अब तक ऐसा हुआ नहीं है। इस दौरान आपके कुछ मंत्रियों को छोड़ दें तो बाकी अपने कर्तव्यगिरी में व्यस्त हैं। मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के हाल किसी से छिपे नहीं हैं। कहीं अस्पताल नहीं तो कहीं डॉक्टर नहीं, कहीं दोनों हैं तो दवाएं नहीं, लेकिन मंत्री और सरकार को इससे क्या। मंत्री जी तो दंड पेलने में बिजी है। मंत्री भी जानते हैं कि उनका ये स्टाइल उनको खबरों में बनाए रखेगा, और जब मंत्री जी खबरों में रहेंगे तो भगवान भरोसे चल रहा स्वास्थ्य विभाग तो चलता ही रहेगा। देखिए, कमलनाथ सरकार के सिंधिया खेमे के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट को उनके विभाग के कामों से ज्यादा उनके इस अंदाज के चर्चे। मारूंगी नहीं, ठीक मार रहा हूँ। ओरिजिनल मारता हूँ। ग्वालियर से ही सिंधिया खेमे के दूसरे मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को ही देख लें। ये वही मंत्री जी हैं जो कांग्रेसी दिग्गज ज्योतिरादित्य सिंधिया को साक्षात दंडवत करते नजर आए थे। इनका वीडियो भी इतना चर्चित हुआ कि सिंधिया पीछे रह गए और मंत्री तोमर चर्चा में आ गए। ये वही मंत्री जी हैं जो मीडिया की सुर्खियां पाने के लिए कभी भी हाथ में झाड़ू लेकर निकल पड़ते हैं, और जब झाड़ू से तवज्जो नहीं मिलती तो नाले में उतर जाते हैं। इस मसले पर जब मंत्री जी को मीडिया में आड़े हाथों लिया जाने लगा तो उन्होंने नया तरीका अख्तियार कर लिया। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर के बाल भवन में सफाई कर्मचारियों के सम्मान समारोह में पहुंचे और मीडिया की सुर्खियों में आने के लिए एक महिला कर्मचारी के सामने घुटने के बल बैठकर चरण स्पर्श किया। मंत्री जी का कहना है, इनका सम्मान सर्वोपरि है। आप इन दृश्यों को गौर से देखकर खुद फैसला कर सकते हैं कि मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए क्या नहीं किया जा सकता। ऐसे में जाहिर है मंत्रियों की इन हरकतों पर अपोजिशन को भी हमलावर होने का मौका मिलता है। देखिए, कांग्रेस सरकार के मंत्री सिवाय प्रोपेगेंडा के कर कुछ रहे नहीं हैं। ये नेताओं से भी मिलने जाते हैं तो भी कैमरामैन को साथ में लेकर जाते हैं, मीडिया को बताकर जाते हैं, मानो सब कुछ अब यही काम बचा है। अगर ताही से मिलने गए और सहज रूप से मिलने गए तो मीडिया को बताकर ले जाकर क्या काम था। नाले में उतर रहे हैं तो मीडिया, किसी के पैर छू रहे हैं तो मीडिया, कसरत कर रहे हैं तो मीडिया। मुझे लगता है कि अब इनके काम बचे नहीं हैं, कुछ करने को कुछ है नहीं सिवाय प्रोपेगेंडा करने के। काम सरकार का जो होता है, मंत्रियों का काम जो होता है, वो काम तो कतई ये सरकार के मंत्री कर भी नहीं रहे हैं और दिख भी नहीं रहा है। केवल और केवल टाइम पास कर रहे हैं, कुछ करते हुए दिखने के नाम पर ये प्रोपेगेंडा रच रहे हैं। खेल मंत्री जीतू पटवारी रविवार सुबह साइकिल चलाकर सुमित्रा महाजन से मिलने उनके घर पहुंच गए थे। मीडिया भी उनके पीछे था, जहां बंद कमरे में उनकी करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। खेल मंत्री जीतू पटवारी का कहना है कि उनकी मुलाकात को राजनीति से जोड़कर ना देखा जाए। उन्होंने कहा, इस मीटिंग से नगरीय निकाय चुनाव का कोई लेना देना नहीं, ताई का स्नेह और मार्गदर्शन उन्हें मिलता रहे वो जरूरी है। जीतू पटवारी के इस अंदाज को भी मीडिया में छाए रहने के ट्रिक बताया जा रहा है। कुल मिलाकर कमलनाथ सरकार के ये मंत्री 11 महीने में यह तो समझ ही गए हैं कि मीडिया में कैसे बने रहना है। आप देख रहे हैं
दखल न्यूज़।